एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजया। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। पेंशन घोटाले की जांच सप्ताह भर में पूर्ण होगी। नागपुर पारशिवनी पंचायत समिति के पेंशन घोटाले की जांच रपट सप्ताह भर में वित्त अधिकारी को पेश करने के निर्देश जिला परिषद में प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमल किशोर फुटाने ने दिए है। घोटाले की जांच के लिए जिला प्रशासन की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसी प्रकार पुलिस रही है, इसी प्रकार की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से भी मामले की जांच की जा रही है, लेकिन समिति की रिपोर्ट जल्दी पेश होने पर पुलिस को इसकी मदद होगी। सूत्रों का कहना है कि समिति की रिपोर्ट पर पुलिस का समाधान नहीं होने पर पुलिस आर्थिक मामलों का फॉरेंसिक ऑडिट करने का निर्णय लेगी। जीपक समिति की प्राथमिक रिपोर्ट पर पेंशन घोटाला लगभग 1.82 करोड़ का है। इससे संबंध में पारशिवनी के खंड विकास अधिकारी सुभाष का कहा जा रहा है कि इस घोटाले में सरिता नेवारी की सहभागिता के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लग रहा है। इससे अब तत्कालीन BDO खंड शिक्षा अधिकारी जांच के फेरे में फंसने की संभावना है। बताया जाता है कि पुलिस इन दिशा में भी जाँच कर रही है। जाधव की शिकायत पर घोटाले के मुख्य सूत्रधार व पारशिवनी के शिक्षा विभाग के कार्यरत सरिता नेवारे के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जांच की कड़ी में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ और पेंशन धारकों की रकम निकाली गई है। पेंशन धारकों के पते और अभी के रहने के ठिकाने में अंतर पाया गया है। इसकी वजह से संबंधितों का पता लगाने में विलम्ब लग रहा है। रोड पर कब शुरू होंगे सिग्नल? नागपुर वाड़ी से मानकापुर रिंग रोड पर दाबा वायुसेना पर चौराहे पर यातायात सुचारू करने की मंशा से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से इनमें एक सिग्नल बंद पड़ रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायतें की गई, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सिग्नल बंद होने से यातायात सुचारू नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है कि इस रोड से होकर हर दिन वायुसेना नगर स्थित वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड के कार्यरत कर्मचारी आवागमन करते हैं। साथ ही शहर की ओर जाने वाले लोग भी इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इस चौराहे पर हर दिन ट्रैफिक जाम रहता है। अब सिग्नल बंद होने से समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई है। स्कूली वाहनों की यहाँ से बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। सिग्नल के अभाव में स्थानीय नागरिक यहाँ हादसों की आशंका जता रहे हैं। महिला ने की खुदकुशी। नागपुर उद्योजक परिवार की अनमोल नगर वाठोड़ा निवासी 45 वर्षीय विनीता उमेश खंडेलवार ने आत्महत्या कर ली। बुधवार की सुबह सामान खरीदने का बताकर घर से दोपहिया पर रवाना हुई। परिजनों ने विनीता द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिल गया, जिसमें उन्होंने खुदकुशी के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं बताया था। विनीता उद्योजक परिवार से जुड़ी होने से पुलिस तत्काल हरकत में आई। उसे पहले दोपहिया मिली, बाद में आज शव खोजा गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।